गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल पीसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम कमिंग हियर विद अ स्पेशल वीडियो एंड दैट इज फॉर यू ओनली बिकॉज आई नो एस ए वन एग्जाम इज वेरी नियर। आप जानते हैं कि एस ए वन एग्जाम बहुत नज़दीक लग गए हैं और आई वॉज ऑब्जर्विंग फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज कि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अंडर स्ट्रेस्ड हैं और स्ट्रेस बनता भी है क्योंकि एस ए वन एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक हैं, चाहे वो डी पी एस के हों, चाहे वो बच्चे महाराणा के हों, चाहे वो अग्रसेन के हों, चाहे वो विजडम के हों। फेस पर एक स्ट्रेस, एक कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर बच्चों के नज़र आ रहा है और बड़े ही प्यारे बच्चे हैं जिनसे उनका ग्लो भी ख़त्म हो रहा है और ऐसा ना हो, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग ए स्पेशल वीडियो एंड दैट वीडियो विल अश्योर टू यू कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, तो आपका जो स्ट्रेस है वो परमानेंटली मैं रिमूव आउट कर दूंगा। ये जो एस ए वन एग्ज़ाम का डर आपको सता रहा है ये आपके दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो आपके इस डर को तो ख़त्म करेगा ही करेगा, साथ ही आपको ये अंडरस्टैंड करने में कि किस किस तरह के क्वेश्चंस, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस और एग्जामिनर क्या अपने दिमाग में थॉट प्रोसेस को रखता है जब वो एक पेपर को सेट करने लगता है, चाहे वो डीपीएस का हो, चाहे वो आपका अग्रसेन का हो, चाहे वो सैनी पब्लिक स्कूल का हो, ऑल ओवर द क्षेत्र अगर कोई भी स्कूल है। और आई नो कि जब भी एक एग्जामिनर पेपर को सेट करेगा तो व्हाट ही वाज थॉट ऑन दैट टाइम, वो मैं आज आपसे यहाँ शेयर करूँगा, क्योंकि आई नो कि बच्चे पूरी एस ए वन की एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं बट स्टिल दे आर इन कन्फ्यूजन्स। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं और कितने कितने मार्क्स के पूछे जा सकते हैं और क्या हमें उसके अटेम्प्टेशन में लिखना चाहिए ताकि हमारे मार्क्स ना कटे और हम एक अच्छे स्कोर के साथ अपने जो क्लास है उसे क्लियर कर पाए। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में उन सब बातों के ऊपर डिस्कशंस करूँगा और आपको समझाऊंगा कि किस किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे वो चैप्टर 8 मोशन के हों, चाहे वो चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ मोशन के हों, चाहे वो चैप्टर 10 ग्रेविटेशंस के हो, कितने कितने मार्क्स के पूछ सकता है और अगर वो पूछता है तो कैसे कैसे हमें उसकी अटेम्प्टेशन करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को जो कि बड़ा ही एक सुंदर और एक शानदार परफॉर्मेंस के साथ आपके सामने आने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। अपने आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे और हम आते हैं सबसे पहले चैप्टर 8 मोशन पे। आप ओपन कर लें चैप्टर 8 मोशन को ताकि हम समझ पाएँ कि किस किस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पुरानी बुक में ये चैप्टर 8 मोशन है, इफ़ यू हैव अ न्यू बुक देन उसके अंदर ही आपका चैप्टर नंबर 7 रहने वाला है, ठीक है। तो चैप्टर 8 मोशन में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 8 मोशन की। अगर एग्जामिनर एक एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है तो डेफिनेटली उसका पहला क्वेश्चन यही रहने वाला है कि डिफाइन मोशन एंड डिफाइन रेस्ट, डिफाइन मोशन एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन डिफाइन रेस्ट, ये भी आपका वन मार्क का क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपने सिंपल एक डेफिनेशन दे देनी है कि किस बॉडी को हम मोशन में कहेंगे और किस बॉडी को हम रेस्ट में कहेंगे। एंड यू नो वेरी वेल ए बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन इज चेंज कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड ए बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो आपको पता चल गया कि किस बॉडी को हम मोशन में कहेंगे और किस बॉडी को हम रेस्ट में कहेंगे। यू हैव सिंपली गिव द डेफिनेशन, एक एक नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद अगर हम आए पेज नंबर 100 पर तो आपके जो ब्लू क्वेश्चन हैं, इसमें जो पहला ब्लू क्वेश्चन है, ये एग्जामिनर बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है इफ इट हैज ए ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस तो क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, तो आपको इसका आंसर देना होगा, ठीक है। और अगर यस में आंसर है आपका, हाँ पॉसिबल है, देन आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसको आपको समझाना होगा। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जैसे कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, दैट इज द ब्लू क्वेश्चन, जिसमें बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो, तो इसमें आपको ट्रू और फॉल्स के रूप में बताना है कि क्या ये चीजें पॉसिबल है या नहीं। जैसे कि पहला है इट कैन नॉट बी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट
जो है वो जीरो नहीं हो सकता, तो आपका आंसर है नो, वो हो सकता है जीरो। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपके जो एक एक दो दो नंबर के जो क्वेश्चंस है वो इसमें पुटअप किए जा सकते हैं और आपको इनके आंसर्स देने होंगे। अगले आते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। ये आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। गिव द डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। गिव द डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, और कई बार इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है। अगर सपोज अगर उसने मोर देन वन सेट बनाए हैं तो वो ऐसे भी पूछ सकता है। एक मतलब यही पूछ लेगा गिव द डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दूसरे में पूछ लेगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन देनी है, और साथ ही आपने उसका एक एक एग्जाम्पल भी एग्जामिनर को दे कराना है। अब ये क्वेश्चंस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जामिनर जो है जब एक पेपर सेट करता है तो उसमें 1-1 मार्क्स के भी क्वेश्चन डालता है, उसमें 2-2 मार्क्स के भी डालता है, 3-3 के भी डालता है, 4 का केस स्टडी भी डालेगा और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी डालेगा जिसके 2 पार्ट होंगे। ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल इन दैट क्वेश्चन। तो आपने इसमें डेफिनेशन देनी है और फिर उसके बाद जो है इसको एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के साथ समझाना है। फिर आगे हम चलते हैं गिव द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। गिव द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी, कि स्पीड और वेलोसिटी में हमें डिफरेंसेस दें। तो 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, पहले स्पीड की डेफिनेशन दे देनी है, फिर वेलोसिटी की डेफिनेशन दे देनी है, फिर आप उसे बता देंगे कि स्पीड सर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और साथ ही इसके एग्जांपल्स भी आप दे देंगे। यूनिट विल बी सेम, मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे हम आएंगे तो एक आपके पास एक न्यूमेरिकल आ रहा है इसके अंदर, एग्जाम्पल 8.1 एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। मतलब एवरेज स्पीड के ऊपर ये एक न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स का ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर के फाइनल में या फिर आपके SA1 एग्जाम में, मतलब एज सच एन टेस्ट आल्सो। तो इसलिए बड़े ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड, तो बड़े अच्छे से आपने इसे अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल 8.2 इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स। ये क्वेश्चंस भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, अगर ये क्वेश्चन वो पूछता है तो आपसे 3 मार्क्स का पूछेगा। फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा जिसके अंदर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, डिफाइन एक्सेलरेशन। तो आपने इसमें क्या करना है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को देना है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन के साथ यूनिट को अटैच नहीं करते, तो यूनिट जरूर अटैच करें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिंबल भी दें। एक्सेलरेशन का ए सिंबल होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नहीं तो 0.5 मार्क्स आपका फाइनल में या फिर SA1 में एग्जाम में एग्जामिनर डेफिनेटली डिडक्ट करेगा। तो इस चीज का आपने स्पेशल ध्यान रखना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम एक क्वेश्चन एग्जामिनर आपको डेफिनेटली देता है 2 मार्क्स का, जिसमें वो आपसे ग्राफ प्लॉट करवाएगा कि भाई ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब 2 मार्क्स का ही आपका क्वेश्चन है कि डिस्टेंस और टाइम में एक ग्राफ बनाए अगर आपका ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। इसी तरह सेम मैनर से ऑब्जेक्ट आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, सेम मैनर से अगर हम आगे चलेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी वो आपसे मतलब एक ग्राफ ड्रॉ करवा सकता है कि भाई वेलोसिटी और टाइम में एक ग्राफ बताएं, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और इट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आगे आते हैं हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली एग्जामिनर पूछ सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि 3 तरह की इक्वेशंस होती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस की। पहली है आपके पास वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें वी है आपकी फाइनल वेलोसिटी, यू है आपकी इनिशियल वेलोसिटी और ए है आपके पास एक्सेलरेशन और टी है आपके पास टाइम। क्या बताया मैंने,
तीन इक्वेशंस हैं, मैं क्लास में भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आप किसी भी स्कूल से आप बिलोंग करते हो, एग्जामिनर डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का आपके फाइनल एग्जाम में, आपके SA1 एग्जाम में और आपके यूनिट टेस्ट में पूछे बिना रह ही नहीं सकता। क्या इक्वेशंस हैं? 3 इक्वेशंस हैं। जैसे कि पहली इक्वेशन V = U + AT ड्राइव करने के लिए कहेगा, 3 मार्क्स की इक्वेशन है जिसमें V आपकी फाइनल वेलोसिटी है, U आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, A आपकी एक्सेलरेशन और T आपका टाइम। इसी तरह सेकंड सेट में मान लो वो ये दे सकता है कि ड्राइव दिस इक्वेशन S = UT + ½AT². इट इज अगेन ऑफ 3 मार्क्स जिसमें S है आपके पास डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, U है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, A है आपके पास एक्सेलरेशन और T है आपके पास टाइम। सेम मैनर से वो आपसे ये इक्वेशन भी ड्राइव करवा सकता है, V² - U² = 2as, जिसमें V आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, U आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, A आपके पास एक्सेलरेशन और S आपके पास डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर 101% इस तरह के क्वेश्चंस को आपके एग्जाम में पुट करता है। अब इसके आंसर्स इफ यू वांट टू नो भाई किस किस तरह से हमें इसको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस तो हमें पता चल गई कितने कितने नंबर के पूछे जा सकते हैं और हमें इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, अगर आप इस पार्ट पे जाना चाहते हैं देन यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपने उसे सब्सक्रिप्शंस के बटन को ऑन करना है, नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। नोटिफिकेशन इसलिए ऑन करवाया जा रहा है ताकि इस तरह के जो स्पेशल वीडियोज़ हैं वो आप तक ऑटोमेटिकली पहुँचते रहें। और इन जब आप इस नोटिफिकेशन को ऑन करने के बाद आपके सामने एक प्लेलिस्ट होगी, आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आप जा सकते हैं क्लास 9th Chapter 8 मोशंस के क्वेश्चंस पे, क्लास 9th Chapter 9 फोर्स एंड लॉ मोशन ऑफ क्वेश्चंस के, क्लास 9th Chapter 10 ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस के ऊपर। मतलब क्लास 9th का मैंने एक अलग फोल्डर बनाया है जिसके अंदर चैप्टर 8 मोशंस के भी क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, चैप्टर 9th फोर्स एंड लॉ मोशंस के और चैप्टर 10th ग्रेविटेशन के। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप वहां से देख सकते हैं, इसका अटेम्प्टेशन पार्ट हम वहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम चलें तो आपके पास जैसे कि एग्जांपल 8.6 है, आप ध्यान से देखिए, एक कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये भी आपके फाइनल एग्जाम में 101% पूछ ले जाते हैं। या फिर थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, अब क्वेश्चन को चेंज कैसे किया जा सकता है, इसके लिए अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू गो टू माई यूट्यूब चैनल, ओपन द प्लेलिस्ट एंड गो टू द फोल्डर्स ऑफ चैप्टर 8 मोशन। तो आप वहां पर मॉड्यूलेटेड क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि अगर एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड ना देके क्वेश्चंस को घुमा के देगा तो किस तरह से वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलेंगे चैप्टर 8 मोशन में तो हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आती है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका, डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को आप डिफाइन करें। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, गिव द डिफरेंसेस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, गिव द डिफरेंसेस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप हमें डिफरेंसेस को समझाएं। ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, गिव द डिफरेंसेस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है SA1 एग्जाम में या फिर फाइनल एग्जाम में, जो कि चैप्टर 8 मोशंस के ऊपर बेस्ड हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस पे। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से एग्जामिनर आपका मतलब 7 to 8 मार्क्स का आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन को। सभी बच्चे अपनी NCERT की बुक ओपन करेंगे और चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन जल्दी से आप इसे निकाल लें। आई विल गिव यू 1 मिनट ताकि हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर कंटिन्यूस डिस्कशंस कर सकें। चलें ओपन करें जल्दी से चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन।
और अगर आपके पास नई बुक है तो उसमें आएगा चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए ओपन कर ली तो अब हम आ रहे हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपका 1 मार्क्स का, डिफाइन फोर्स। डिफाइन फोर्स कि फोर्स को आप डिफाइन करें, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है डिफाइन फोर्स। तो इसमें आपने फोर्स की डेफिनेशन देनी है कि भाई इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट व्हिच इज अप्लाइड आइदर इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और 1 नंबर की डेफिनेशन देने के बाद आप जो है इसमें लिख देंगे इट इज डिनोटेड बाय एफ, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स का ये भी पूछा जा सकता है, मे बी समटाइम 3 मार्क्स का, कि एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म्स, एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म्स। 3 मार्क्स का 2 पार्ट इसके बना दिए जाएंगे, पहला है बैलेंस फोर्स और दूसरा है आपके पास अनबैलेंस फोर्सेस। मतलब ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, कौन कौन से बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं। क्या बताया मैंने, 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस। किसी में एग्जामिनर इसको मॉड्यूलेट कर देगा थोड़ा सा, ये कह देगा गिव द डिफरेंसेस बिटवीन द बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है आपको, बेसिकली बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं उसके बारे में बताना है, अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं उसके बारे में बताना है, और एक एग्जाम्पल के थ्रू आप उसे समझा सकते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लॉज ऑफ मोशन पे। इसमें से एक क्वेश्चन 101% आपका फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जामिनर आपको कहेगा। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करता है तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपका 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, डिफाइन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। डिफाइन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, जिसमें आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करना है कि एवरी बॉडी विच इज एट रेस्ट इज कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, और इफ इट इज इन मोशन इज कंटिन्यू टू बी इन मोशन अनलेस और अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। और न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। याद रखें, केस बेस्ड स्टडी भी इसके ऊपर आपका पूछा जा सकता है कि न्यूटन्स के लॉस के ऊपर, कि भाई न्यूटन्स के बारे में कुछ 4 या 5 लाइन एग्जामिनर आपको लिख कर दे देगा और कुछ क्वेश्चंस के आंसर इसके ऊपर आपसे वो पूछ सकता है, केस बेस्ड स्टडी। तो न्यूटन्स की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और देन उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपका एक क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का, जिसमें हम बात करते हैं गिव द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, गिव द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट, कि मास और वेट में आप हमें डिफरेंस को बताएं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मास की डेफिनेशन दे देनी है कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन इट, और इधर से वेट की डेफिनेशन दे देनी है कि इट इज द ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज डायरेक्शन इज इन द टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। फिर उसके बाद मास को आपने बता देना है कि इसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेट आप बता देंगे कि हम इसे न्यूटन में मेजर करते हैं, बिकॉज इट इज नथिंग, इट इज अ फोर्स, इट इज डिनोटेड बाय मास को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, उसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, फॉर्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, इट इज अ स्केलर एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। डिफाइन इनर्शिया, डिफाइन इनर्शिया। नाउ व्हाट इज इनर्शिया, 1 नंबर का क्वेश्चन, तो आप सिंपल उसे डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इज द इनेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ। मतलब ये बॉडी की असमर्थता है जिससे बॉडी अगर चाहे तो भी अपनी पोजीशन को खुद से चेंज नहीं कर सकती, इट इज द इनेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ, ठीक है। फिर हम आते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन है 2nd लॉ ऑफ मोशन। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनर के दिमाग में आ गया कि डालना है, तो मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन होगा कि डिफाइन न्यूटन 2nd लॉ ऑफ मोशन एंड गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, और आप इसे छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि एग्जामिनर इसको दिए बिना
पेपर में नहीं रह सकता, क्योंकि अगर उसने 5 मार्क्स का क्वेश्चन डालना है और उसने मन बना रखा है कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से देना है, तो डेफिनेटली वो इसी क्वेश्चंस के ऊपर आने वाला है। मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ यहाँ पे। द क्वेश्चन इज डिफाइन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, डिफाइन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। ये आपका अगर एग्जामिनर पूछता है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा कि जिसमें आपको न्यूटन सेकेंड लॉ को डिफाइन करना होगा कि सर द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड यू हैव आल्सो राइट डाउन एफ फिजिकल टू डीपी बाय डीटी, और इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी आपको देना है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी स्कूल से बिलोंग करते हो, एग्जामिनर अगर इस चैप्टर से देना चाहता है तो यही क्वेश्चन देगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि इस क्वेश्चन में हमें लिखना क्या है, देन अगेन आई एम सेइंग इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पी सी अकेडमी कुरुक्षेत्रा पर मिल जाएंगे। जब आप वहाँ पर YouTube के आइकन को क्लिक करेंगे देन यू हैव टू सर्च पी सी अकाडमी कुरुक्षेत्रा, मेरा चैनल ओपन होगा, माई नेम इज़ मनोज पहुजा। उसको ओपन करने के बाद सब्सक्रिप्शंस का बटन ऑन करेंगे। नोटिफिकेशन ऑन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप तक इस तरह के खूबसूरत वीडियोस पहुँचते रहें और ताकि आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सेकेंड इन जब आप ओपन कर लेंगे तो प्लेलिस्ट पे जाएंगे, उसमें क्लास 9 चैप्टर 9 फोर्स और लॉ ऑफ मोशन का एक अलग फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, उसमें जाके आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक एग्जांपल 9.1 है, अगर आपके पास बुक है तो एक कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एग्जामिनर न्यूमेरिकल देने का मन बना के बैठा हुआ है तो ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। साथ ही पैरेलली क्वेश्चंस 9.2 पे अगर आप आएंगे, विच विल रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग ए 2 kg मास एट 5 m/s² और ए 4 kg मास एट 2 m/s², ये भी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ठीक है, और बड़े ही एक चीज़ आप और ध्यान रखें कि आगे जाके आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है तो क्वेश्चन मॉड्यूलेट होके भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर, चाहे हम DAV के एग्जामिनर्स की बात कर लें, चाहे हम DPS के एग्जामिनर्स की बात कर लें, कई बार वो सोचते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया जाए, तो उस एक्स्ट्रा देने के चक्कर वो क्या करते हैं, पेपर की टफनेस को थोड़ा सा क्रॉस कर जाते हैं, क्वेश्चन को मॉड्यूलेट कर देते हैं। तो अब वो मॉड्यूलेट कैसे होगा, अगर आप मॉड्यूलेट करने का उसने मन बना लिया है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन चैप्टर 8 मोशन से आपको देने वाला है, क्योंकि वहाँ पर मॉड्यूलेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसमें आपको वो ग्राफिकल क्वेश्चन ज़रूर दे सकता है और ग्राफिकल क्वेश्चन के ऊपर ही आपसे आंसर्स निकलवा सकता है कि स्पीड बताएं, वेलोसिटी बताएं, इतने से इतने टाइम में। तो अगर आप इन क्वेश्चन को भी जानना चाहते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं, अगेन इस तरह के क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रेजेंट है, आप वहाँ जाकर इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है, डिफाइन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, डिफाइन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है, जिसमें आपने एग्जामिनर को न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन देनी है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी हम किसी बॉडी पे कोई एक्शन करते हैं तो वो बॉडी भी हम पे एक रिएक्शन करती है, जिसमें आपने दिखाना है एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन, और माइनस साइन यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रिएक्शन फोर्सेज होते हैं इट विल ऑलवेज अपोजिट टू द एक्शन फोर्सेज। इसको आप एक एग्जाम्पल से या 2-3 एग्जाम्पल्स दे के भी एग्जामिनर को समझा सकते हैं। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नॉट ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इसे हम नहीं करेंगे। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शंस अबाउट फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और इनको देखने के बाद आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब हम आते हैं किस पे, चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन पे, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। इसमें से एग्जामिनर आपको 5 to 7 मार्क्स का, 5 to 7 मार्क्स का आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो अगर उसने इस चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन देने का मन बनाया है, 1 मार्क क्वेश्चन, तो वो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है, डिफाइन ग्रेविटेशन, डिफाइन ग्रेविटेशन। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड, डिफाइन ग्रेविटी,
ये भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर एग्जामिनर ये मान के बैठ गया है कि मुझे एक एक नंबर के क्वेश्चन तो चैप्टर 8 मोशन से ही देने थे, ग्रेविटेशन से नहीं देने थे, तो डेफिनेटली वो इसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पास, स्टेट एंड एक्सप्लेन यूनिवर्सल न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, कि आप हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस को समझाएं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी स्कूल में हो, एग्जामिनर ने ये जो क्वेश्चन है ये आपको डेफिनेटली आस्क करेगा, और इसको क्लास में भी उसने डेफिनेटली करा होगा, बट फिर भी बच्चे गलत करते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। इसमें क्या लिखा जाए, कैसे इसको अटेम्प्ट किया जाए, आप मेरे चैनल पर जाके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेट एंड एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जिसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देंगे कि व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स attract to the every another object with a sum force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance between them। तो इस questions को भी आप मतलब attempt कर सकते हैं, और इसकी brief discussion जानने के लिए you have to go to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, जहाँ पर इस question का answer आपको मिल जाएगा। फिर इसके बेस पे आपका एक numerical भी पूछा जा सकता है, और क्योंकि universal law of gravitation अपने आप में एक बड़ा ही important question है, अगर examiner ने मान लो more than one sets बनाए हैं, जैसे कहीं examiner चाहते हैं कि हम questions को थोड़ा सा theory form में दें, तो वो universal law of gravitation पे बात करेगा, अगर वो चाहता है numerical form में दे तो वो इसी के ऊपर ही एक numerical आपको बेस करके देगा। फिर आता है एक बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन इसके अंदर, गिव द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, गिव द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ये अगर क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है तो वो 2 मार्क्स का पूछेगा, गिव द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक रिलेशन दे। तो आपने सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आपने सबसे पहले स्मॉल जी की डेफिनेशन देनी है कि सर इसको हम ग्रेविटी कहते हैं और ये इसकी डेफिनेशन है। फिर कैपिटल जी की डेफिनेशन देनी है कि सर दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, और फिर आपने इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है, जो रिलेशंस मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, दैट इज स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। बड़ा ही खूबसूरत ये आर्टिकल है, 2 मार्क्स का आर्टिकल है। इसकी कंप्लीट अटेम्प्टेशन को जानने के लिए अगेन यू हैव टू गो टू माई चैनल, और वहाँ पर आप जब प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन की प्लेलिस्ट के अंदर ये क्वेश्चन रखा गया है, वहाँ से आप इसके अटेम्प्टेशन को देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते तो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर ने ये फाइंड आउट मतलब ये मन बना लिया है कि इस क्वेश्चन इस चैप्टर से मुझे 5 मार्क्स का क्वेश्चन देना है, तो डेफिनेटली वो यही क्वेश्चन आपसे आस्क करने वाला है कि प्रूव दैट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। क्या क्वेश्चन देने वाला है, प्रूव दैट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ, कि एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो जो मून के ऊपर है वो अर्थ के उसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर हम अर्थ पे लें तो उसका 1/6 होता है। मतलब हमें ये प्रूव करना है द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। सो इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशंस अबाउट दीज 3 चैप्टर्स, और आगे भी हम इस तरह की डिस्कशंस को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर आपके चैप्टर साउंड और फ्लोटेशन
और वर्क एंड एनर्जी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दिस इज द पार्ट टू, दिस इज द पार्ट वन। और पार्ट टू तक अगर आप पूछना चाहते हैं तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़ना होगा, नोटिफिकेशन ऑन करनी होगी ताकि इस तरह का वीडियो भी आप तक पहुँच जाए। सो एट लास्ट माई डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज, लाइक माई वर्क, लाइक माई एफर्ट, देन प्लीज़ प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। माई चैनल इज PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स, अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे YouTube चैनल से, अगेन आई एम सेइंग, अगर आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ते हैं, नोटिफिकेशन ऑन करते हैं, तो आई विल अश्योर टू यू कि एग्ज़ाम में जो स्ट्रेस फैक्टर बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाएंगे, कितने कितने नंबर के होंगे, माई YouTube चैनल विल अश्योर टू यू कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में कभी भी नहीं आएगी। तो मेरे चैनल से जुड़िए, सब्सक्रिप्शंस ऑन कीजिए ताकि इस तरह के खूबसूरत वीडियो आप तक पहुँचते रहें। जय श्री कृष्णा, जय गुरुजी।